अब जैसे ये प्रॉब्लम बनी हमारे पास में, सबसे पहले आप प्रॉब्लम की लैंग्वेज को, प्रॉब्लम के हाव भाव को समझिए कि भाई वो क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाहता है। वो जैसे कहना चाहेगा हम वैसे काम करेंगे। देखिए, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टावर। भाई मान लिया हमने ये रहा टावर, ये ग्राउंड लेवल है, ये टॉप लेवल है और ये टावर है, ठीक है? समझ आ रही बात? कुछ ऐसी कंडीशन है भाई, आफ्टर 2 सेकेंड ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। यहां से हमने एक बॉल को छोड़ा बच्चों टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड पर। ध्यान से, टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड पर हमने एक बॉल को यहां से छोड़ दिया। उसके बाद उसने क्या कहा, आफ्टर 2 सेकेंड, यानी टाइम बराबर 0 पर तो हमने बॉल को छोड़ा है, बॉल को छोड़े जाने के 2 सेकेंड के बाद बच्चों, टाइम बराबर 0 पर अगर आपने बॉल को छोड़ा है ना, तो उसके 2 सेकेंड के बाद का मतलब है टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है? अनदर बॉल इज थ्रो वर्टिकली डाउनवर्ड विद स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। देखो भाई, टाइम बराबर 0 पर तो हमने बॉल को छोड़ दिया, इसके 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद इस बॉल को हमने नीचे की तरफ 40 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया। इसे तो हमने छोड़ा टाइम बराबर 0 पर, इसके 2 सेकंड के बाद में 40 मीटर पर सेकंड से हमने एक बॉल को नीचे की तरफ फेंका। आफ्टर हाउ मच टाइम एंड एट वॉट डिस्टेंस बिलो द टॉप ऑफ द टावर द बॉल्स मीट। भाई मैंने ये माना कि अगर मैंने इस बॉल को छोड़ा है तो ये बॉल धीरे 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 नीचे जा रही है, इस बॉल को मैंने नीचे की तरफ फेंका है, तो दोनों बॉल आफ्टर टी टाइम यहां पहुंच जाती हैं बच्चों। टी टाइम में ये दोनों बॉल यहां पहुंच जाती हैं स्टूडेंट, टाइम इक्वल टू टी में ये दोनों बॉल यहां पहुंच जाती है। अब मुझे एक बात बताओ, तुमने 0 टाइम पर इसे छोड़ा था, टी टाइम में बॉल यहां पहुंच गई, इसने जो डिस्टेंस चली है वो इतनी डिस्टेंस चली है, टी पर पहुंची, 0 पर छोड़ा था तो इसे टी टाइम लगा। अबे लगाना गधो टी टाइम, इसे टाइम बराबर 2 पर तुमने छोड़ा था, इसके 2 सेकंड के बाद तुमने इसे छोड़ा था। अरे 2 सेकंड के बाद का मतलब तो यार यही होगा, टाइम इक्वल टू 0 पर तुमने इसे छोड़ा, इसके 2 सेकंड के बाद तुमने इसे छोड़ा, उतने ही जितने टाइम पर ये बॉल यहां पहुंचती है, बिल्कुल उतने ही टाइम पर ये बॉल यहां पहुंचती है, तो इस बॉल को टाइम लगेगा टी माइनस के 2, टी में से 2 को माइनस करेंगे टी माइनस 2। हालांकि ऐसी प्रॉब्लम पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं बच्चों, समझ आ रही है सभी लोगों को? अब हम क्या करने वाले हैं जरा समझिए, जितनी हाइट इसने ट्रेवल की है बिल्कुल उतनी ही हाइट इसने ट्रेवल की है। चलिए इसकी हाइट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैसे? हमने इसे ड्रॉप कराया, ड्रॉप का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर है, तो ये वाली हाइट निकल कर आएगी। देखिए जरा ध्यान से, ये वाली हाइट निकल कर आएगी यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू है 0, टाइम की वैल्यू है टी प्लस हाफ, एक्सीलरेशन की वैल्यू है माइनस के 10 और ये हो गया टी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, आंसर आया माइनस के 5 टी स्क्वायर, यानी यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है वो माइनस के 5 टी स्क्वायर है। अब इसकी हाइट देखते हैं कितनी होगी। देखो हमने इसे ओरिजिन मान रखा है, ये 40 ओरिजिन के नीचे है, तो ये हो गया माइनस के 40, टाइम हो गया टी माइनस के 2 प्लस हाफ, ग्रेविटी की वैल्यू माइनस के 10 और ये हो चुका है टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहां भी हम लोगों ने मोशन की सेकेंड इक्वेशन ही बच्चों लगाई है, बस फर्क इतना है कि इस बार u की वैल्यू है माइनस के 40 और टाइम की वैल्यू है t माइनस 2। मैंने बताया t माइनस 2 कैसे आएगा, जो हाइट ये है बिल्कुल वही हाइट ये है, तो हम एक काम करेंगे दोनों हाइट्स को आपस में इक्वल रखेंगे। चलिए रखते हैं इक्वल, भाई इधर की हाइट है हमारे पास में माइनस के 5 टी स्क्वायर, इधर की हाइट है माइनस के 40 t माइनस 2, ये है माइनस के 5 t माइनस 2 का होल स्क्वायर। इस हाइट को हमने इस हाइट के इक्वल रखा, यहां से तो हमने बॉल को छोड़ा है और यहां से हमने बॉल को नीचे की तरफ फेंका है बच्चों। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करके आंसर बनाएंगे, क्या आंसर बनेगा देखो बच्चों।
अब हम इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट बनेगा। माइनस के 5t² इज इक्वल टू माइनस के 40t प्लस के 80 माइनस के 5t² प्लस के 4 माइनस के 40। यार इतनी बेसिक मैथमेटिक्स तो हर एक बच्चा कर ही सकता है जो हम आपको यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्या रिजल्ट बनेगा। माइनस के 5t² इज इक्वल टू माइनस के 40t प्लस के 80 माइनस के 5t² माइनस के 20 प्लस के 20t। सॉल्व करिए फटाफट बच्चों, इससे ये कैंसिल आउट। माइनस के 40t प्लस के 20t इक्वल टू से उधर ले जाएंगे, ये बनेगा 20t इज इक्वल टू 60, टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। लो भैया मेरे प्यारे बच्चों, 3 सेकेंड का समय आएगा, यानी तुमने इस बॉल को यहाँ से छोड़ा है ना, तो ये बॉल 3 सेकेंड में यहाँ पहुँच जाएगी। टाइम बराबर 2 पर तुमने इस बॉल को नीचे की तरफ फेंका था, इसे छोड़ा था, इसे फेंका था, टाइम बराबर 2 पर। टाइम बराबर 3 पर ये यहाँ पहुँचेगी। 2 पर हमने फेंका था, 3 पर यहाँ पहुँची, तो कितना समय लगा? सिर्फ 1 सेकेंड का समय लगेगा इस बॉल को यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में। अगर ये डिस्टेंस आपको निकालनी है तो ये डिस्टेंस बराबर है, माइनस मत लेना 5t² के, टी की वैल्यू 3 आई है ना, 3² 9, 9 इंटू 5 45 मीटर की वैल्यू निकल जाएगी स्टूडेंट हमारी ये। बच्चों इस तरीके से हमें प्रॉब्लम बनानी है। देखो मैंने आप लोगों को इस तरीके की कई प्रॉब्लम बताई, जैसे ड्रॉप वाली प्रॉब्लम हम लोगों ने पढ़ी, भाई ड्रॉप बूंद बूंद करके पानी नीचे गिर रहा है, हमने इस तरीके का सवाल पढ़ा। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों आप लोगों के लिए, ये आप लोगों से ज़रूर आने ही आने चाहिए, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है आप लोगों को पढ़ने का। मोशन की सेकेंड इक्वेशन, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन, अरे 3 ही तो इक्वेशन है यार, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इन हम बात कर रहे हैं इस प्रॉब्लम की, आइए जानते हैं कि किस तरीके से प्रॉब्लम को बनाएंगे। In the previous problem, if the height of the tower is 80 meter, after 2 seconds, with what velocity should the second ball be thrown so that both the ball strike the ground at the same time? बच्चों previous problem से related ही question है, आइए जानते हैं कि किस तरीके से solve करेंगे हम लोग। देखिए ये हमारे पास में हो गया है tower का top, ये हमारे पास में हो गया है student ground level। This is top of tower और यह है ground level, ठीक है। बच्चों इतने क्वेश्चन बता चुका हूँ कि अब आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। उसने कहा कि भाई यहाँ से हमने एक बॉल को ड्रॉप कराया रेस्ट से, ठीक है। अगर यहाँ से बॉल को छोड़ा है तो इसे मानना है ओरिजिन। टावर के टॉप और ग्राउंड लेवल के बीच का जो गैप है वो है 80 मीटर और टाइम इक्वल टू 0 पर इस बॉल को यहाँ से छोड़ा गया है। बच्चों देखो फेंके जाने में और छोड़े जाने में फिजिक्स के अकॉर्डिंग फर्क है बच्चों, आप छोड़ोगे ऐसे और फेंकोगे ऐसे, दोनों में फर्क है। इस बॉल को हमने टावर के टॉप से छोड़ दिया है। अब क्या हुआ स्टूडेंट, 2 सेकेंड के बाद, बॉल को छोड़े जाने के 2 सेकेंड के बाद, यानी टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड पर यहां से हमने दूसरी बॉल को थ्रो किया है यू वेलोसिटी से। इस बॉल को छोड़े जाने के 2 सेकेंड के बाद हमने इस बॉल को फेंका है बच्चों, थ्रो किया है यू वेलोसिटी से। तो आपको बताना है कि इस यू की वैल्यू क्या होगी अगर दोनों बॉल एक ही टाइम पर ग्राउंड पर पहुंचती हैं। भाई इसे तो हमने 2 सेकेंड पहले छोड़ दिया था, इसे हमने 2 सेकेंड के बाद फेंका है। दोनों बॉल अगर एक ही टाइम पर ग्राउंड पर पहुंचेगी तो हमें यह बताना है कि यू की वैल्यू क्या होगी। हमने ये माना स्टूडेंट कि दोनों बॉल जिस टाइम पर ग्राउंड में पहुंचेगी वो टाइम होगा टी। कितना टाइम होगा टी? जब दोनों बॉल ग्राउंड लेवल पर पहुंचेंगी तो वो टाइम टी होगा। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम टाइम टी की वैल्यू निकालते हैं इस वाली बॉल के लिए, मोशन की सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करते हैं। यहाँ से हमने बॉल को छोड़ा तो इसे ओरिजिन माना, ये 80 मीटर ओरिजिन के नीचे है तो ये हो गया माइनस के 80, रेस्ट 0 इंटू टी माइनस के हाफ, जी की वैल्यू 10 और ये हो गया टी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, माइनस से ये कैंसिल आउट, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। देखो भाई टाइम बराबर 0 पर बॉल को छोड़ा था, टाइम बराबर 4 सेकेंड पर ये बॉल यहाँ पहुँचेगी। हमने टाइम इक्वल टू 0 से बॉल को छोड़ा था,
टाइम इक्वल टू 4 सेकंड पर बॉल को यहां छोड़ेगी। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज के मुताबिक जिस टाइम पर यह बॉल ग्राउंड लेवल पर पहुंचती है बिल्कुल उसी टाइम पर यह वाली बॉल ग्राउंड लेवल पर पहुंचेगी। देखो हमने टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पर इस बॉल को फेंका था और ये बॉल टाइम इक्वल टू 4 सेकंड पर ग्राउंड पर पहुंच रही है, तो यानी पूरी जर्नी में इसे 2 सेकंड का टाइम लगा है। बच्चों पूरी जर्नी में सिर्फ और सिर्फ इसे 2 सेकंड का टाइम लगा है। भाई इस बॉल को हम लोगों ने छोड़ा था टाइम इक्वल टू 0 पर, इसके 2 सेकंड के बाद हमने इस बॉल को फेंका था, 4 सेकंड पर ये बॉल यहाँ पहुँचती है, तो रास्ते में कितना टाइम लगा? रास्ते में 2 सेकंड का टाइम लगा। आइए u निकालने के लिए मोशन की सेकंड इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट 80 ओरिजिन के नीचे है, इसीलिए हो गया माइनस के 80। समझ आ रही है बच्चों बात? ये जो u है ये भी ओरिजिन के नीचे है तो ये हो गया माइनस के u। यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में 2 सेकंड का टाइम लग रहा है, माइनस के हाफ, ग्रेविटी की वैल्यू 2, टाइम की वैल्यू हो गई है 2 स्क्वायर। आइए सॉल्व करते हैं। माइनस के 80 इज इक्वल टू माइनस के 2u, कैंसिल आउट, माइनस के 5, 2 स्क्वायर करेंगे 4। माइनस के 2u इज इक्वल टू माइनस के 60, u की वैल्यू निकल गई है भाई बच्चों हमारे पास में 30 मीटर पर सेकेंड, यानी इस बॉल को जो हमने u से नीचे की तरफ फेंका था ना बच्चों, इसे हमने 30 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ फेंका है, तब जाकर कहीं दोनों बॉल एक ही टाइम पर ग्राउंड लेवल पर पहुँचेंगी। तो बच्चों मैं बार बार आप लोगों से ना एक ही बात कह रहा हूँ, हर क्वेश्चन के बाद मैं आप लोगों से एक ही बात कहता हूँ कि सिर्फ 2 चीज़ों को सीखिए, एक तो सही इक्वेशन को अप्लाई करना सीखिए और एक इस बात को देखिए कि कौन सी वैल्यू होने वाली है पॉजिटिव और कौन सी वैल्यू होने वाली है नेगेटिव। जहाँ से आप बॉल को छोड़ते हैं या जहाँ से आप बॉल को फेंकते हैं उस पॉइंट को आपको ओरिजिन मानना है। ओरिजिन के ऊपर जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो सब पॉजिटिव ली जाएंगी, ओरिजिन के नीचे जितने भी क्वांटिटीज़ हैं वो सब नेगेटिव ली जाएंगी। बच्चों बस इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो बड़े प्यार से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, कोई परेशानी हमें होने वाली ही नहीं है।